हेलो एवरीवन, बी आर स्टॉपर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ऑड्स अगेंस्ट अस, ठीक है, राइटर है इसके सत्यजीत रे। इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी हम पहले कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ फिल्म मेकिंग। फिल्म बनाने में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। सो देर आर डिफरेंट सेवरल सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ अ फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मनी। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है फिल्म बनाने में, पहले तो पैसा होना चाहिए। मेकिंग ऑफ अ फिल्म रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। द सेकेंड स्टेप इज़ द फाइंडिंग अ सुटेबल स्टोरी। पैसा अगर है तो दूसरा स्टेप होता है कि एक या दूसरी कंडीशन होती है कि एक सुटेबल स्टोरी होनी चाहिए जिस स्टोरी के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, विच अपील्स टू बी द डायरेक्टर एंड विच ऑल्सो हैज़ अ मास अपील। जो डायरेक्टर को भी पसंद आए और डायरेक्टर को ये भी लगे कि ये जो स्टोरी है ये एक अच्छी फिल्म बन सकती है और लोगों को पसंद आएगी। द थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल टू प्ले द डिफरेंट रोल्स। तीसरा स्टेप होता है लोगों को ढूंढना कि इसमें जो भी एक्टर्स जो भी रोल प्ले करेंगे उनको फाइंड आउट करना इज़ द थर्ड स्टेप। एंड फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज सेटल्ड द फिल्म हैज़ टू बी शॉट इनसाइड स्टूडियो एंड आउटसाइड लोकेशंस इफ द स्क्रिप्ट सो रिक्वायर्स। और उसके बाद शूटिंग करनी होती है, चाहे स्टूडियो के अंदर करनी हो या बाहर करनी हो, जहाँ भी सुटेबल हो वहाँ पर फिर शूटिंग की जाती है। तो ये सभी स्टेप्स होते हैं एक फिल्म बनाने में। सेकेंड क्वेश्चन इज, वट अकॉर्डिंग टू रे आर द कंस्ट्रेंट्स अ डायरेक्टर इज लाइकली टू एनकाउंटर इन मेकिंग फिल्म इन अ कंट्री लाइक आवर्स। अब सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आती है एक डायरेक्टर के सामने फिल्म बनाने के दौरान। एज अ फिल्म मेकर या अ फिल्म मेकर इन इंडिया वर्क्स अंडर सेवरल कंस्ट्रेंट्स। देखो इंडिया की अगर बात करें, बिकॉज ये जो सोसाइटल कंडीशंस होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में वेरी करती हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी डिफरेंट है तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। और वेस्टर्न सोसाइटीज़ की अगर बात करें या किसी भी फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ के फिल्म मेकर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिफरेंट होंगी। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया के फिल्म मेकर की बात करें तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंडर उनको काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो ही कैन नॉट चूज सर्टेन काइंड्स ऑफ सीन्स। कुछ इस तरह के सीन्स होते हैं जिनको वो नहीं चूज़ कर सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर रोमांटिसिज्म और पॉलिटिकल या रिलीजियस सीन्स को दिखाना यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, बिकॉज रिलीजियस चीज़ें भी यहाँ पे कम ही दिखाई जाती हैं। बिकॉज कई बार या उसको बहुत ध्यान से बनाया जाता है, केयरफुल मैनर में रिलीजियस सीन्स को शूट किया जाता है कि उससे किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। इफ़ ही इज़ वर्किंग ऑन अ क्लासिक ही इज़ टू बी केयरफुल दैट देर इज़ नो डेविएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड लाइन ऑफ द स्टोरी। अगर क्लासिकल कोई टॉपिक है तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड है अगर, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि डायरेक्टर उस जो भी स्टोरी है उससे थोड़ा सा भी दूसरी तरफ ना चला जाए, या मतलब स्टोरी से बिल्कुल हट ना जाए, कुछ और गलती से ना दिखाया जाए। इफ़ द फिल्म हैज़ अ पॉलिटिकल थीम नो कांग्रेसमैन कैन बी शोन एज करप्ट। तो अगर कोई पॉलिटिकल थीम पे फिल्म बनाई जा रही है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हम वहाँ पे करप्ट नहीं दिखा सकते। थर्डली सर्टेन कम्युनिटीज़ हैव टू बी प्रेजेंटेड इन अ सर्टेन फिक्स्ड स्टीरियोटाइपिकल मैनर। तो कुछ कम्युनिटीज़ से रिलेटेड सीन्स भी होते हैं जिनके कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ धारणाएं होती हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली ही शूट किया जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं या जो भी धारणाएँ हैं उनको ठेस पहुँचे। एंड इफ़ देर इज़ अ सीन इन्वॉल्विंग पैशनेट लव इट हैज़ टू बी ओनली हिंटेड थ्रू अ सेट ऑफ फॉर्मूला। तो इसमें लव पैशनेट ये सब दिखाने के लिए भी फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ओपनली शो नहीं कर सकता कोई भी डायरेक्टर, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन में एनोटेशन है, वी हेयर आर बीसेट विद अ वेरी स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इंडिजिनस टू द प्लेस एंड अराइजिंग आउट ऑफ द स्पेरिकल कोड्स दैट गाइड आर लाइव्स एंड शेप आवर डेस्टिनीज। इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि हम यहाँ पे बहुत सारी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में रहते हैं जो कि हमारी प्लेस के साथ इंडिजिनस है, मतलब उस स्पेसिफिक प्लेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे राइटर बात कर रहा है। इन इंडिया वी आर हिंडर्ड बाय प्रॉब्लम्स विच आर पेक्यूलर टू आवर सोसाइटी एंड कंट्री। देखो इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हिंडर करती हैं, रुकावटें डालती हैं
जो कि हमारे सोसाइटी में से निकलती हैं। दे अराइज आउट ऑफ द स्पेशल कोर्स दैट गाइड आवर लाइव्स एंड इवन डिटरमिन आवर डेस्टाइन्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इस तरह की होती हैं जो हमारी लाइव्स को गाइड करती हैं और हमारी डेस्टिनीज को भी डिटरमिन करती हैं। इस तरह की कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम को इसका आप एग्जाम्पल मान सकते हो। व्हाट द राइटर मीन्स इज दैट अ फिल्म मेकर इन इंडिया कैन नॉट प्रेजेंट पैशनेट लव मेकिंग सीन्स। तो यहाँ पे पैशनेट लव मेकिंग सीन्स को डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पे सोसाइटी ने डिटरमिन किया है। नॉर ही कैन वर्क ऑन अ पोलिटिकल थीम इन विच एनी कांग्रेस मैन इज शोन इन अ बैड लाइट। तो पोलिटिकल थीम पर भी बहुत केयरफुल रह के काम करना होता है। थर्डली इन फिल्मिंग अ क्लासिक द डायरेक्टर कैन नॉट अफोर्ड टू डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल चीज़ है या जो फैक्चुअल है तो उस फैक्ट से थोड़ा सा भी डेविएट राइटर नहीं हो सकता एक फिल्म बनाने के दौरान, उसको इस बारे में केयरफुल रहना पड़ता है। ही हैज़ ऑल्सो टू बी केयरफुल नॉट टू अफेंड द सेंसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कास्ट एंड क्लासेस ऑफ पीपल। तो किसी भी कास्ट और क्लास ऑफ पीपल के बारे में सेंसिटिव बातें नहीं कर सकता फिल्म में, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है कोई भी डायरेक्टर हो। देन बी पार्ट है एनोटेशन में, अवेंट गार्डिज्म इज अ लग्जरी विच वी कैन नॉट अफोर्ड इन आवर कंट्री। तो ये अवेंट गार्डिज्म का मतलब क्या है, बहुत ही जो एक ना मतलब जैसे फॉरेन जो सिनेमाज होते हैं ना उनमें काफ़ी हाई क्वालिटी पिक्चर्स बनाई जाती हैं, तो इंडिया में वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। इंडिया में जैसे मैंने अभी समरी में आपको बताया था कि अगर फॉरेन कंट्री में कोई 2 साल लगा के कोई अगर फिल्म बनी है तो उसका मतलब क्या होता था कि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन अगर इंडिया में कोई फिल्म 2 साल में बनी है तो उसका मतलब होता था कि जो पैसा आ रहा था वो बहुत ही स्लो रहा है, तो पैसे की कमी के चलते यहाँ पे 2 साल फिल्म बनाने में लग गए। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री की फिल्म 2 साल में बनी है तो मतलब वहाँ पे पैसा भी उस फिल्म में ज़्यादा लगा है और वहाँ पे मेहनत भी एक्टर्स की बहुत ज़्यादा है, एक्टर्स की डायरेक्टर की सबकी मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। तो अवेंट गार्डिज्म वहाँ की हाई क्वालिटी फिल्म्स के बारे में ये वर्ड यूज़ किया है कि लग्जरी फिल्म्स वहाँ पे बनी है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट इज़ कॉल्ड अ न्यू वेव सिनेमा एंड इट प्रेजेंट्स अनएक्सप्लोर्ड थीम्स इन अ मॉडर्न आर्टिस्टिक मैनर विच कैन नॉट एक्सप्लोर थीम्स इन अ मॉडर्न आर्टिस्टिक मैनर विच ऑल्सो रिक्वायर्स बोल्ड सीन्स एट टाइम। तो कुछ जो बोल्ड सीन्स होते हैं इन लग्जरी फिल्म्स में, अवेंट गार्डिज्म जो वर्ड है ये न्यू वेव सिनेमा से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्रीज में ये पहले आया था एंड ये अनएक्सप्लोर्ड थीम्स को भी मॉडर्न आर्टिस्टिक मैनर में प्रेजेंट करता है विच ऑल्सो रिक्वायर्स बोल्ड सीन्स एट टाइम्स। कुछ टाइम्स में बोल्ड सीन्स भी वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है न्यू थीम्स पे, न्यू आइडियाज़ पे। बट नो डायरेक्टर इन इंडिया कैन एन्जॉय द लग्जरी ऑफ मेकिंग एन अवेंट गार्ड फिल्म। फर्स्ट देयर विल बी ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द सेंसर बोर्ड। तो देखो इंडिया में ऐसा करने का कोई डायरेक्टर नहीं सोच सकता बिकॉज सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड ही ऑब्जेक्शंस करता है। देन द मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस विल क्राई इट डाउन बिकॉज ऑफ देयर विक्टोरियन मोरालिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम, उसके बाद यहाँ की पब्लिक की प्रॉब्लम, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस भी इसका कई बार विरोध करने लगती है एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थीम। और कुछ जो एक पॉपुलेशन की हमारी कैटेगरी ऐसी भी होगी जो कि उस थीम को समझ ही नहीं पाएगी बिकॉज फॉरेन आइडियाज उनके लिए बिल्कुल एलियन हैं, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है बिकॉज यहाँ की जो है वो इंडियन विलेजेस की फिल्म उस टाइम पे ज़्यादा होती थी, ठीक है। देन थर्ड एनोटेशन इज इट इज़ द बेयरनेस ऑफ मीन्स दैट फोर्सेस अस टू बी इकोनॉमिकल एंड इन्वेंटिव एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टर्निंग क्राफ्ट्समैनशिप इनटू एन एंड इन इट्स सेल्फ। अब इन लाइंस में जो राइटर है ये अपने बजट की बात कर रहा है कि इंडिया में हमारा बेयरनेस ऑफ मीन्स है, मतलब उनके पास सोर्सेस की कमी है, पैसे की कमी है जो कि उनको इकोनॉमिकल और इन्वेंटिव होने से रोकती है, ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम टर्निंग क्राफ्ट्समैनशिप इनटू एन एंड इट सेल्फ। तो जैसे अगर उनको कोई अपना इन्वेंटिव मतलब न्यू आइडियाज़ को शो करना है तो वो उन आइडियाज़ को बजट के कारण शो नहीं कर पाते। एंड इंडियन फिल्म मेकर डज नॉट हैव अ बिग बजट एट हिज डिस्पोजल, हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड। तो इंडियन फिल्म मेकर के बजट बहुत ही कम हुआ करते थे, दिस इज़ वाई ही कैन नॉट हैव सीन्स विच इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मैन और
स्पेक्टेकल। तो पैसे की कमी के कारण या सोर्सेज की कमी के कारण कोई भी इंडियन फिल्म मेकर बहुत बड़े और ज़्यादा पैसा लगने वाले सीन्स को शूट नहीं कर सकता था। दिस इज़ वाई सीन्स ऑफ वॉर एंड ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज आर सिंपली रूल्ड आउट। तो इस तरह के किस तरह कैसे सीन्स होते हैं, जैसे वॉर के सीन्स या नेचुरल कैलामिटीज के, अर्थक्वेक्स के सीन्स जो हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था जो कि इंडियन फिल्म मेकर ऐसा करने का फिर नहीं सोच पाता था। आउटडोर शूटिंग इज़ रिड्यूस टू द बेयर मिनिमम एंड मच ऑफ द शूटिंग इज़ डन इन द स्टूडियोज। तो आउटडोर शूटिंग्स को भी ज़्यादातर कैंसिल कर दिया जाता था और स्टूडियो के अंदर अंदर जो शूटिंग हो जाए बस वहीं तक लिमिटेड रहते थे। इवन द स्टूडियोज आर शैबी एंड नॉट इन्फेस्टेड। अब स्टूडियोज जो है ये भी, इनकी भी कंडीशन बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। देर आर क्रेविसेज इन द वॉल्स एंड टैटर्ड कैनवस सीलिंग्स। तो यहाँ पे क्रेविसेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब इनकी दीवारें होती थी और माउस बहुत ज़्यादा होते थे, रैट्स, रैट इन्फेस्टेड। ये यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, सॉरी रैट आएगा, ठीक है। तो ये रैट इन्फेस्टेड स्टूडियोज होते थे, तो इनसे इनको रेबीज का, बीमारियों का भी काफ़ी खतरा होता था। येट दी सर्कमस्टांसिस डू नॉट डेटर द एम्बिशियस एंड डिटर्मिंड फिल्म मेकर। लेकिन इस तरह के जो सर्कमस्टांसिस हैं कि डिटर्मिंड फिल्म मेकर को फिर भी ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करते थे। हाँ, थोड़ा बहुत हर्डल्स क्रिएट करते थे, लेकिन एक डिटर्मिंड फिल्म मेकर फिर भी इन सबको ओवरकम कर लेता था। सो एन इंडियन फिल्म मेकर कैन नॉट अफोर्ड टू फोकस ऑन क्राफ्ट फॉर इट्स सेक। तो इंडियन फिल्म मेकर अपने बजट के कारण थोड़े लिमिटेड सोर्सेज में ही शूटिंग कर सकता था। फॉरेन कंट्रीज, हॉलीवुड की तरह वो बहुत ज़्यादा बजट वाली फिल्म नहीं बना पाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हाउ अ फिल्म मेकिंग इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड फिल्म। बॉलीवुड की हमारी फिल्म हॉलीवुड से कैसे डिफरेंट थी। अब ये देखो, ये जो जितने भी मैं बातें बता रही हूँ ना, ये सारे पुराने टाइम की हैं। बिकॉज आजकल इंडिया में भी काफ़ी अच्छी फिल्म्स बनती हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने टाइम की है, सत्यजीत रे के टाइम की, जब इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। सो द डिफरेंस इन द फिल्म मेकिंग इन इंडिया एंड दैट इज हॉलीवुड लाइज इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स एंड नो हाउ ऑफ फिल्म मेकिंग। तो एक तो मीन्स की अवेलेबिलिटी, सोर्सेज की, पैसे की अवेलेबिलिटी, और दूसरा नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दोनों ही चीज़ की कमी थी इन हॉलीवुड। प्रोड्यूसर्स कैन अफोर्ड टू मेक ब्लॉकबस्टर्स विद सीन्स ऑफ वॉर्स, अर्थक्वेक्स, ह्यूज विक्ट्री प्रोसेशंस एंड सो ऑन, बिकॉज दे हैव द नेसेसरी मनी फॉर दैट पर्पज़। तो हॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स थे वो काफ़ी अच्छे ब्लॉकबस्टर्स बनाया करते थे, जिसमें वॉर्स के सीन्स को भी वो दिखा सकते थे, अर्थक्वेक्स को, ह्यूज विक्ट्रीज को, क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे थे। लेकिन इंडिया में द बजट इज़ नॉट सो लार्ज एंड सो द प्रोड्यूसर्स हैव टू कंसंट्रेट ऑन इंटीमेट इंडोर सीन्स, मूड एंड एटमोसफेयर रेदर देन ग्रैंडियोर एंड स्पेक्टिकल। तो ग्रैंडियोर, लग्जरी, इन सब के बजाय वो स्टूडियोज में जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उसी से शूटिंग किया करते थे। वेस्टर्न ऑडियंस आर सोशली एज वेल एज पोलिटिकली मोर ओपन माइंडेड दैन इंडियन ऑडियंस, सो इंडियन फिल्म मेकर्स हैव टू चूज देयर थीम्स अकॉर्डिंगली। तो ये पैसे की प्रॉब्लम तो थी, और इंडियन सोसाइटी क्योंकि क्लोज सोसाइटी है, जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ काफ़ी ओपन सोसाइटीज़ थी, तो यहाँ पे ये भी एक मेजर, एक ऑब्स्टेकल हुआ करता था। बिकॉज फिर प्रोड्यूसर को थीम्स को अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ता था, वो कोई भी थीम ऐसे ही जो मन किया उसके ऊपर फिल्म नहीं बना सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्टर विच मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फाइंडिंग अ स्टोरी। अब डायरेक्टर के माइंड में जब वो स्टोरी फाइंड आउट करता है तो उसके माइंड में क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए स्टोरी फाइंड आउट करने के लिए, एक स्टोरी ढूंढने के लिए क्या, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको एक डायरेक्टर को माइंड में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, एन इंडियन डायरेक्टर व्हाइल फाइंडिंग अ स्टोरी फॉर हिज प्लान्ड फिल्म मस्ट कीप टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट है, इट इज़ एफिनिटी और क्लोजनेस टू विद द थीम। ये कोई थीम हो जिसके क्लोज वो स्टोरी हो, दिस मीन्स दैट ही मस्ट लाइक द स्टोरी वेल और उसको स्टोरी पसंद आनी चाहिए। सेकेंडली, ही शुड कंसीडर वेदर द स्टोरी कैन बी पोर्ट्रेड वेल ऑन द स्क्रीन। दूसरी बात कि वो स्टोरी एक अच्छी फिल्म बनेगी इसका भी डायरेक्टर को अंदाज़ा होना चाहिए। ऑल्सो ही शुड टेक इन टू अकाउंट द पब्लिक दैट विल वॉच द मूवी वैन इट इज़ रेडी। तो उसको पब्लिक को भी देखना चाहिए कि कौन सी पब्लिक उसको देखेगी और वो उसको इंटरेस्ट के साथ देखेगी या नहीं। ओनली एन इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर विल इग्नोर द पब्लिक। तो जो न्यू डायरेक्टर होगा सिर्फ वही पब्लिक को इग्नोर कर सकता है, अदरवाइज जो भी
एक्सपीरियंस डायरेक्टर है वो कभी भी पब्लिक को इग्नोर नहीं करता, वो पब्लिक का इंटरेस्ट पहले चेक करता है। आफ्टर ऑल द फिल्म मस्ट ब्रिंग बैक मनी स्पेंट ऑन मेकिंग इट। तो एंड सबसे ऊपर क्या है कि फिल्म वो पैसे वापस ले आए जो भी उसको बनाने में खर्च किए गए हैं। तो जितने भी पैसे फिल्म को बनाने में लगे हैं उससे ज़्यादा वो या जितना भी ज़्यादा वो फिल्म लेके आती है वापस, तो वो फिर उसकी अर्निंग होती है। तो जितना उसमें लगे हैं उतने तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा ही आने चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रे से फुल बॉडी ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ फिजिकल पैशन इज अनथिंकेबल इन इंडियन सिनेमा। अब यहाँ पे फुल बॉडी ट्रीटमेंट मीन्स यहाँ पे लव पैशनेट वाले सीन्स के बारे में बात की गई है जिसमें इंडियन सिनेमा में वो अनथिंकेबल है, उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था। अ स्टोरी इन्वॉल्विंग अ फुल बॉडी ट्रीटमेंट ऑफ द पैशन ऑफ लव एक्सप्रेस्ड फिजिकली इन अनथिंकेबल इन इंडिया। द रीजन इज दैट सच स्टोरीज आर फाउंड इन इंडियन लिटरेचर, अ डायरेक्टर कैन नॉट शो दैम ऑन द फुल स्क्रीन बिकॉज कैट कॉल्स फ्रॉम द फ्रंट रो वुड डिस्ट्रॉय द वेरी टेंडरनेस एंड द मूड ऑफ सच सीन्स। तो इससे ना बहुत वायलेंस क्रिएट होने का भी डर होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक विल बी सिंपली लॉस्ट इन दीज कैट कॉल्स, इंडियन ऑडियंसेज आर स्टिल क्राइंग एंड द डेड वेट ऑफ विक्टोरियन प्रूडरी। तो विक्टोरियन मॉरेलिटी यहाँ पे इंडिया में अभी भी दिखती है, जिससे क्या है कि इस तरह के सीन्स इंडिया में पब्लिक अलाउ नहीं करती। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस इन चाइनीज ब्रॉथल। तो चाइनीज ब्रॉथल में जब सत्यजीत रे गए थे तो उनका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा। टू गेट सम चाइनीज एक्स्ट्राज द डायरेक्टर हैड टू गो टू अ चाइनीज ब्रॉथल। ही सैट इन एन एंटी रूम इन द मिड्स ऑफ द स्मेल ऑफ ओपियम स्टिफलिंग हिज नॉस्टिल्स। तो वहाँ पे अफीम की उसको स्मेल आ रही थी जब वो वहाँ पे वेट कर रहा था बैठ के। देन द मैडम रन एंड द ब्रदर शोड अप मिस्टेकिंग द डायरेक्टर फॉर अ क्लाइंट। द एक्स्ट्राज टुक आवर्स टू कम आउट, दो द शॉट टुक ओनली अ मिनट एंड अ हाफ, द डायरेक्टर रिमेन स्टक बिकॉज ही होप टू गेट द शॉट एज प्लान। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर का उसमें अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा था। एक मिनट का ही सीन था जबकि वहाँ पे उसको बैठा के रखा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था डायरेक्टर का, तो उस प्लान्ड मैनर में वो नहीं हो पाया था, ठीक है। क्योंकि एक तो वहाँ पे उसको बिठा के बहुत ज़्यादा देर तक रखा था, आर्स टू कम आउट, उन्होंने बाहर आने में इतनी देर लगाई, और फिर जबकि एक मिनट का सीन था तो उसमें बहुत ज़्यादा कई घंटे उसके वेस्ट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, मेंशन द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय रे व्हाइल शूटिंग इन द स्टूडियोज ऑफ कैलकटा। कैलकटा के स्टूडियोज में शूटिंग करते हुए सत्यजीत रे ने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किए। द फिल्म स्टूडियोज इन कैलकटा पोज सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर सत्यजीत रे व्हाइल मेकिंग अ फिल्म। द वॉल्स ऑफ द स्टूडियोज शो क्रेविसेस। तो जो दीवारें थी वो टूटी फूटी हुई थी। द कैनवस कवरिंग द सीलिंग शो टैटर्स। कैनवस भी वहाँ पे अच्छे से क्लीन नहीं था और ख़राब हो गया था। देन देर वर माइस मूविंग अबाउट। तो वहाँ पे चूहों की भी प्रॉब्लम थी, माउस वहाँ पे रैट्स रहा करते थे दीवारों में छेद करके। द फ्लोर वॉज फुल ऑफ पिट्स। द कैमरा ग्रोंड एज इट टर्न्ड एंड वोल्टेज एज वॉज वेरी लो आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद लाइटिंग की प्रॉब्लम। देन देर वॉज अ जनरल एटमोसफेयर ऑफ शेबीनेस इन द होल स्टूडियोज। तो बहुत ही गंदगी वाला वो एक एरिया था। Ray says that these obstacles and shortcomings motivated him to be economical and inventive. तो ये जो obstacles हैं इससे सत्यजीत रे को एक motivation मिलता था economical और inventive होने का, मतलब वो कम पैसे में भी फिर अच्छे से inventive तरीके से काम करता था, ठीक है। Next, ninth question, the essay ends on the optimistic I am happy to be working where I am. What really makes Ray happy despite the hurdles in making films in India? अब यहाँ पे सत्यजीत रे ने कहा है कि मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खुश हूँ, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। व्हाट वर द मतलब वहाँ पे क्या ऐसे हर्डल्स थे जो कि उन्होंने इंडियन मूवीज में काम करते हुए फेस किए। रेज ऐसे एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज इन मेकिंग फिल्म्स इन इंडिया। तो एक हैप्पी नोट के साथ ही ऐसे एंड होता है कि वो इंडिया के फिल्म मेकिंग में जो भी डिफ़िकल्टीज हैं इसमें काम करने के बावजूद भी खुश हैं। द रीज़न इज़ दैट इट इज़ अ
चैलेंज टू क्रिएट आर्टिस्टिक ब्यूटी इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ शोडीनेस एंड प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेशन। तो यहाँ पे इसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि वो ऐसे शोडीनेस सर्कमस्टांसिस में भी बहुत ही अच्छे से इन्वेंटिव तरीके से काम करने का उनको मौका मिला। द डायरेक्टर डज नॉट हैव इनफ मनी एट हिज डिस्पोजल, ही डज नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ स्टूडियो एंड ही डज नॉट हैव मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फिल्मिंग ऑफ अ स्टोरी। मतलब उनको सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस थी, डज हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन फिल्मिंग ऑफ अ स्टोरी एंड उनके पास कोई अच्छा स्टूडियो नहीं था, ना उनके पास पैसे ज़्यादा थे। इन स्पाइट ऑफ दीज ऑड्स व्हेन ही सक्सीड्स इन क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल देयर इज रियल हैप्पीनेस। तो इस तरह के ऑड्स के बावजूद भी जब वो कोई अच्छी फिल्म बनाने में सक्सीड होते थे तो ये रियल हैप्पीनेस की बात थी। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।